नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर देयर रिजल्टेंट इज अ मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम तब होता है जब उनके बीच का एंगल, सपोज दिस इज वेक्टर वन एंड दिस इज वेक्टर टू, तो वेक्टर वन और वेक्टर टू के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम कब होता है, जब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, दैट इज वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर. दिस इज द मिनिमम ऑफ, दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट यू कैन ऑब्टेन ऑन एडिंग टू वेक्टर्स, और यू कैन से दिस इज द मिनिमम रिजल्टेंट वैल्यू. सो ये वैल्यू कब आएगी, जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो. क्वेश्चन नंबर 20. ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस विच वन और मोर कैन नॉट बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. तो क्वेश्चन नंबर 20, पहला पेयर देखो, कोई भी दो फोर्स, कोई भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू, ये हो जाएगा. तो फर्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर ए, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, एफ वन भी 1 के बराबर और एफ टू भी 1 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, एफ वन एफ टू कॉस थीटा है इसमें, ठीक है. तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 प्लस 2 cos थीटा, इसका रिजल्टेंट ये है. नाउ इसका रिजल्टेंट अगर 2 के बराबर है तो 2 प्लस 2 cos थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा. स्क्वायर कर दो दोनों साइड को, इसका स्क्वायर और यहाँ पे क्या दे रखा है, रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन. तो दोनों ऑन स्क्वायरिंग, सपोज दिस इज इक्वल टू 2, सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 2 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 4, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1. अगर इसका रिजल्टेंट हम 2 के बराबर करते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ रही है. cos थीटा का रेंज क्या है, -1 से 1 क्लोज, तो क्या cos थीटा की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल है, यस इट इज एक्सेप्टेबल. इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री. ओके, सेकेंड पेयर इज 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 2 AB cos थीटा, डेट इज 2 इंटू 2 4 cos थीटा. सो ऑन स्क्वेरिंग वी गेट 5 प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 4, सो 4 cos थीटा इज इक्वल टू -1, सो cos थीटा इज -1/4. cos थीटा कैन बी -1/4, -1/4 क्या, -1 और 1 के बीच में आता है, तो ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है. सेकेंड पेयर का रिजल्टेंट भी 2 हो सकता है, ठीक है. थर्ड पेयर देखो, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, सो 1 प्लस 9 प्लस 3 2 6 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 4, सो 6 cos थीटा इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 10, दैट इज -6, सो cos थीटा इक्वल टू -1. cos थीटा कैन बी इक्वल टू -1, तो ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेड है. डी, 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, सो 1 प्लस 16 प्लस 8 cos थीटा इक्वल टू 4, सो 17 माइनस 4 13, 8 cos थीटा इक्वल टू -13, -13 ना, हाँ -13. तो cos थीटा कितना आ रहा है, -13/8. -13/8 इज स्मॉलर देन -1, ये वाली वैल्यू -1 से कम होती है, क्या इस रेंज में आती है, नहीं आती है. तो अगर उसका रिजल्टेंट 2 के बराबर होगा तो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, cos थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू -13/8, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. इट इज आस्क्ड विच कैन नॉट बी एडेड, सो डी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. ओके, ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स विच वन और माइट बी एबल टू रिटर्न अ कार टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. सो
इस क्वेश्चन में एक चीज हम ऐड करेंगे, सपोज मोशन इज परफॉर्म्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, इन ओनली वन डायमेंशन, ठीक है। अगर मोशन 1D होता है तो क्यों हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर हमें जीरो करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सपोज चार डिस्प्लेसमेंट हुए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चार वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अगर हमें इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है, तो इनके बीच का हमें, एक तो इनके सम को निकालने के लिए हमें इनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एंगल कुछ दे नहीं रखा है, तो वी विल कंसिडर कि मोशन इज ओनली परफॉर्म्ड इन वन डायरेक्शन, इन वन डायमेंशन, ओके। तो चार वेक्टर्स दे रखे हैं, चार डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो एक वैल्यू है ए, बी, सी और डी, ठीक है। सपोज एक इंसान यहाँ से जाता है ए पॉइंट से, इफ ही स्टार्ट्स, तो वो आगे की तरफ गया ए, सिर्फ दो डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, हमें ये कंसिडर करना है। तो वो आगे की तरफ ए कुछ डिस्प्लेस किया, देन आगे की तरफ बी डिस्प्लेस किया, ठीक है, फिर आगे की तरफ सी डिस्प्लेस किया, फिर आगे की तरफ डी डिस्प्लेस किया। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो क्या उसका कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? नहीं, बिकॉज इट कैन नेवर कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सेकेंड केस हम कंसिडर करते हैं, इसने ए से स्टार्ट किया, ए आगे गया, फिर बी आगे गया, फिर सी आगे गया और वापस डी लौट के आ गया, डी डिस्टेंस लौट के आ गया। When A plus B plus C equal to D, अगर ये वाला केस बनता है, इसके मैग्नीट्यूड, अगर A plus B plus C तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चौथे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है और इनका डायरेक्शन चौथे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन का ऑपोजिट है, तो इन दैट केस ये लौट के आ सकता है, इस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए आगे बढ़ा, फिर बी आगे बढ़ा, देन सी पीछे आया एंड देन डी भी पीछे आया। तो इन दिस केस ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। अगर हम आउट ऑफ दीज फोर वैल्यूज, अगर हम या तो ये पेयर या ये पेयर, इन दोनों में से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू डी, या तो ये पेयर या a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये पेयर, इन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को अगर हम डिराइव कर पाते हैं, या ये वाली वैल्यूज किसी भी एक पेयर को सेटिस्फाई कर पाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अदरवाइज उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन वन डायरेक्शन। तो एक केस देखो, पहले एक केस में कौन कौन सी चार वैल्यू दे रखी है, 3, 4, 12 एंड 20। तो ये चारों वैल्यूज को जब आप यहाँ पुट करोगे, तो ना तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी तीन वैल्यू को ऐड करके चौथी वैल्यू नहीं आ रही है, और कोई दो वैल्यू को ऐड करके भी बाकी की दो वैल्यू का सम के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड केस देखो, सेकेंड में दे रखा है 5, 10, 15 और 20। 20 + 5 = 10 + 15, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये वाला केस हो रहा है, ये भी 25, ये भी 25, तो बी केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। सेकेंड सी केस देखो, सी केस में क्या वैल्यू दे रखी है, 20, 60, 80 एंड 1 more, that is 180। तीन का समेशन क्या चौथे के समेशन के बराबर आ रहा है? 160, 180 नहीं आ रहा है, ना ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ना ये कंडीशन, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डी केस में 100, 100, 100 एंड 100, डी केस में हो सकता है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, 100 + 100 = 100 + 100, 200। सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो, सो आंसर विल बी बी एंड डी, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22।
A boat whose velocity through the water is 14 km per hour is moving in a river whose current is 6 km per hour relative to the river bed. So velocity of boat is 14 km per hour with respect to ground, because it is given in a still water, and velocity of river is given to be 6 km per hour. The velocity of the boat relative to the river bed must be between. इन दोनों का resultant कितना हो जाएगा? दो vector को add करना है, simple. तो कितना हो जाएगा? A square under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. A square 196, b square 36 plus 2 into 14 into 6 cos theta. ठीक है? इसकी minimum value के लिए ये हो जाएगा 2 कैरी 3 232 प्लस 28 इंटू 6 232 प्लस 168 कॉस थीटा. ठीक है, अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इन दोनों के रिजल्टेंट की, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एक्चुअली हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इन दोनों के रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वेक्टर वी वन माइनस वेक्टर वी टू, दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 16 कितना होता है 8, और मैक्सिमम क्या होगी? मिनिमम होगी ये, और मैक्स कितनी होगी? मैक्स होगी वी वन प्लस वी टू. जब इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री तो ये वैल्यू आएगी, और जब इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री तो ये वैल्यू आएगी. और ये कितनी हो जाएगी? वी वन प्लस वी टू, 14 प्लस 6 20, तो 20 और 8 के बीच की वैल्यूज आएंगी, 20 और 8 के बीच की वैल्यूज आएंगी. तो आंसर कितना हो जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू द रिवर बेड मस्ट बी बिटवीन 6 एंड 14, नो 6 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, 6 एंड 20 नो, 8 एंड 14 एंड 8 एंड 20, सो इट शुड बी 8 एंड 20, ऑप्शन नंबर डी, इट शुड बी 8 एंड 20. ओके,